अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म ब्रह्मास्त्र का पहले दिन का कलेक्शन सामने आ गया है और पहले दिन की कमाई को जानने के बाद आप भी समझ सकते हैं कि इस फिल्म पर बायकॉट का असर नहीं देखने को मिला है। ब्रह्मास्त्र फिल्म काफी मायनों में खास रही क्योंकि इस फिल्म के पहले भाग को 2022 में रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागार्जुन अहम भूमिकाओं में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इस फिल्म में शाहरुख का भी एक बेहतरीन कैमियो रोल देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर साफ तौर पर यह फिल्म काफी मायनों में खास लग रही है और फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन भी काफी ज्यादा शानदार रहा है और यह फिल्म पहले दिन ही उम्मीद से ज्यादा बेहतरीन ओपनिंग कलेक्शन कर ली है। पहले दिन ब्रह्मास्त्र के 13,000 से ज्यादा शो सिनेमा हॉल्स में चले और इनके टिकट भी जमकर बिके। और बताया जा रहा है कि फिल्म को लेकर लोगों में ऐसा क्रेज था कि पहले शो शुरू होने से पहले ही ब्रह्मास्त्र ने सिर्फ ऑनलाइन शोज की एडवांस बुकिंग से करीब 20 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था। इसमें वो ब्लॉक सीट्स भी शामिल है जिनकी बुकिंग थिएटर्स खुद करते हैं। इंडिया टुडे की एक्सक्लूसिव खबर की माने तो शुक्रवार को ब्रह्मास्त्र की कमाई के जो आंकड़े सामने आए उन्हें देखकर फिल्म का भोकाल हल्का समझने वालों के मुंह खुले रह जाएंगे। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रह्मास्त्र ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 36 करोड़ रुपए के आसपास ओपनिंग कलेक्शन किया है। यह अनुमान फिल्म की ऑल इंडिया कमाई का है और ब्रह्मास्त्र के हिंदी वर्जन की बात करें तो इसके लगभग 32 करोड़ रुपए कमाने का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं दूसरी ओर अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो ब्रह्मास्त्र ने यहां पर भी बाजी मारी है और ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन करीब 50 करोड़ से ज्यादा हो सकता है। ये शुरुआती अनुमान है और ब्रह्मास्त्र की कमाई का ट्रेंड बताता है कि फाइनल आंकड़े इससे भी और भी ज्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये कहना सुरक्षित हो गया है कि ब्रह्मास्त्र ने सबसे बड़ी नॉन हॉलीडे ओपनिंग का रिकॉर्ड बना लिया है। यहां हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये बॉक्स ऑफिस पर ओरिजिनल हिंदी फिल्म की सबसे बड़ी नॉन हॉलीडे ओपनिंग है। पूरे इंडिया की बात करें तो नॉन हॉलीडे रिलीज में SS राजामौली की बाहुबली 2 का ओपनिंग कलेक्शन ब्रह्मास्त्र से ज्यादा है। अब पहले दिन की कलेक्शन जाने के बाद आप भी कह सकते हैं कि ये COVID-19 के बाद बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म साबित हो गई जिस फिल्म ने पहले दिन इतना शानदार कलेक्शन किया है। इससे पहले केवल अक्षय कुमार की सूर्यवंशी और आलिया भट्ट की गंगूबाई काठवाड़ी और कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 को अच्छी खासी ओपनिंग मिली थी और इसके बाद रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र ने यह बड़ा कारनामा करके दिखाया है। वैसे देखा जाए रणबीर कपूर की इस फिल्म को लेकर बायकॉट की लहर भी जोरों शोरों से उठी थी, लेकिन बायकॉट का असर इस फिल्म के प्रति नहीं देखने को मिला। रणबीर कपूर आलिया भट्ट ब्रह्मास्त्र में लीड जोड़ी में दिखाई दे रहे, साथ ही इनका इस फिल्म में साथ अमिताभ बच्चन, नागार्जुन, मौनी रॉय देते हुए नजर आ रहे। साथ ही इस फिल्म में शाहरुख और दीपिका के कैमियो रोल भी हैं। वेल दोस्तों, ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन काफी ज्यादा शानदार रहा और वीकेंड पर इसको और भी ज्यादा फायदा मिल सकता है। शुक्रवार की कमाई के आंकड़े सामने आ चुके हैं और शनिवार और रविवार को इस फिल्म के आंकड़ों में और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि हाल ही फिलहाल में रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा रिलीज हुई थी, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। इस फिल्म का बजट करीब 150 करोड़ रुपए के आसपास था, लेकिन इस फिल्म को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया। लेकिन कुछ महीनों के बाद ही रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई है और इस फिल्म का कलेक्शन भी काफी ज्यादा शानदार रहा है। पहले दिन की कमाई से आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर स्टार यह फिल्म आने वाले समय में और भी बढ़िया कलेक्शन करती हुई दिखाई दे सकती है।